चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का इतना बच्चे आते हैं तो प्रॉपर्टीज में। गुड आफ्टरनून प्रभु। प्रॉपर्टीज में हमने कल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी करी थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलरेडी हमने कर लिया एंड पोटेंशियल वाली स्टार्ट करी थी। तो ऑक्सीडेशन की जो प्रॉपर्टी थी उसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है बेटा ये। क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड वाई। चलो इसका आंसर दो, एक और है। ये भूल गए, मुझे लगता है टाइम चेंज किया ना, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। करो इतना, मैं मैसेज डाल दूँ ग्रुप में। इसके बेटा आप क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे, हम हमारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट हो गई हैं। क्वेश्चन से ना तुमको पता चल जाएगा कि इसको किस से ढंग से याद करना। क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आइडिया नहीं लगता। हाँ जी निखिलेश बेटा, अक्षित कहाँ है? प्रभु उसने अकेला 3D का ही पूछा है बेटा, तो मैंगनीज ही बोलोगे ना कल्ला। निखिलेश उसको फोन कर, अक्षित को, पता नहीं सभी लोग कहाँ रह गए। हाँ जी तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, 3D सीरीज का उसने पूछा है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। हमें पता है कि मैंगनीज दिखाता है +2 से लेके +7 तक, ठीक है। कल्ला 3D सीरीज का पूछ रहा है तो इसका रीजन तुम कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेट करोगे। 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, और साथ में क्या लिखोगे कि इनकी जो एनर्जीज होती हैं ना वो काफ़ी क्लोज होती हैं 4s और 3d की, इसीलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये d के पांचों मतलब अनपेयर्ड होते हैं, इसीलिए पार्टिसिपेशन काफ़ी ईजी है इनका। तो दो रीजन साथ में क्या देने हैं, एनर्जीज नियर बाय हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और डी के ये जो सारे अनपेयर्ड हैं इसलिए पार्टिसिपेशन इजी है, इसीलिए इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7 +3 +4 सारे दिखा सकते हैं, ठीक है जी। और वेरिएबल किस में नहीं होती, इसमें हम अकेला स्कैंडियम लिख देंगे, स्कैंडियम में +3 ही पाई जाती है। आगे बात समझ में, हाँ लिख सकते हो ज़्यादा, ये बस कैंडियम ही लिखा जाता है, वैसे जिंक भी लिख सकते हो। एक ही पूछा ना, जब एक ही पूछे तो स्कैंडियम कोई प्रेफरेंस देनी है। ओके एक क्वेश्चन और है, वो भी लिख लो। देखो ये देखो, ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो, हाउ वुड यू account for the
जो भी रीजनिंग है ना वो 99% कॉन्फिगरेशन पे ही बेस्ड होगा। हाउ वुड यू काउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ, प्लीज राइट इन योर नोटबुक, आयोनाइजेशन इनथैल्पीज। ब्रैकेट में उसने बोला है कि कौन सी वाली को बताना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसको कैसे हम आंसर करेंगे, कुछ स्पेसिफिक तो है नहीं, हमने जनरल बातें करनी है इसमें। क्या बोल रहा है, कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, जो फर्स्ट सीरीज की है, 3D सीरीज की पढ़नी है हमको, उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है एंड जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं उनमें जो वेरिएबल यहाँ पे वेरिएशंस हैं वो क्यों आती हैं, और उसको बेसिकली हाउ वुड यू काउंट का मतलब है उसको कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वेरिएशंस को। बताओ मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हाट इज द मेन रीजन। क्या रीजन होता है बेटा, पहले तो हम सिंपल बात लिखेंगे कि जो भी वेरिएशंस हैं वो कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होंगी, जहाँ पे हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे D0, D5, D10, तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा। वैल्यूज तो याद नहीं करनी है, पहले भी बताया था। तो मेन इसमें वेरिएशन एक तो क्रोमियम में आती है, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या क्या मेंशन करना है। क्रोमियम में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होती है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड देखा जाए जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी उससे वैल्यू थोड़ी कम आती है, लाइक इसकी 653 वैल्यू होती है, ट्रेंड के हिसाब से ज़्यादा आनी चाहिए इससे, तो इसकी लो क्यों है। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेट करेंगे कि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है, तो इसकी काफ़ी इच्छा है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ताकि ये d5 बन जाए जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको इससे रिलेट कर सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट कि वेरिएशन क्यों आती हैं, जहाँ पे भी हमको ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी वहाँ पे वेरिएशंस आती हैं, और साथ में तुम ऐड कर सकते हो कि 4s और 3d की एनर्जीज बहुत क्लोज बाय होती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन बेटा रिमूव तुमको पता है कि पहले 4s से होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से इनमें एनर्जीज से थोड़ा बहुत चेंज भी आता है, यदि तुम और डीप में जाओ ना तो एनर्जीज थोड़ी बहुत बदलती भी हैं। एक शायद पढ़ा होगा एक्सचेंज एनर्जी वगैरह का फैक्टर रोल प्ले करता है, उसके कारण एक और एनर्जी आ जाती है, उसको रीऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी बोलते हैं। ज़्यादा इजी रखना है, ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, तो तुम सिंपल लिख देना कि कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे ये वाली मिलेगी तो वहाँ पे वेरिएशन आएगी। थोड़ा डीप में जाके सोचें तो इसका ये लॉजिक दिया जा सकता है कि 4s और 3d की एनर्जीज बहुत क्लोज होती हैं, आयनाइजेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं जिसके कारण 4s और 3d की रिलेटिव एनर्जीज में थोड़ा चेंज आ जाता है। देर आर लॉट मैनी फैक्टर्स लाइक एक्सचेंज एनर्जी एंड रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेकेंड पॉइंट, अब कहाँ पे वेरिएशन है, क्रोमियम में ज़्यादा आनी चाहिए थी ट्रेंड के हिसाब से, बट कंपैरेटिवली लो है। क्यों, क्योंकि जो क्रोमियम प्लस है दैट इज़ वेरी हाई, हाईली स्टेबल, और जो जिंक की पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी हाई है देन एक्सपेक्टेड। उसमें हम क्या बोलेंगे कि वो पूरी तरह से फिल्ड है, 4s भी अपना भरा हुआ है और पूरा 3d भी भरा हुआ है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक भी लूज़ करना उसके लिए मुश्किल है। ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में। अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी उसने पूछा है, तो उसमें भी हम पहली लाइन तो यही लिखेंगे कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ हैं वो जनरली फर्स्ट से ज़्यादा ही होंगी। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल होता ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना
मुश्किल है, इसीलिए जो सेकंड वाली वैल्यूज हैं वो हाई होती हैं जनरल। अब हमको ट्रेंड देखें तो हमें पता चलता है कि कॉपर प्लस और क्रोमियम प्लस को क्रोमियम प्लस टू में बदलना है सेकंड में, और कॉपर प्लस को कॉपर प्लस टू में बदलना है, तो इनकी वैल्यूज आर वेरी हाई देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड। अगेन यू कैन रिलेट विद कॉन्फिग्रेशन कि क्रोमियम प्लस तो स्टेबल होके बैठ गया, अब उसको इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही औखा लग रहा है, जितना सोचते थे उससे भी मुश्किल लग रहा है। कॉपर प्लस भी D10 होके बैठ गया तो उसको भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए यहाँ पे हमको वेरिएशन मिलता है। लिख लोगे, समझ आ गया? जल्दी हाँ ना कीजिए। यस मैम। अक्षित बेटा आप लेट हो, कल वाली रिकॉर्डिंग सुन ली थी? अक्षित कैन यू लिसन टू मी? क्यों नहीं सुनी बेटा? फिर ऐसे ऐसे हमने वो थोड़ी करना है कि लॉग इन कर लिया, अब क्लास लगा ली, काम खत्म। बेटा आज तो सुनोगे, बट देखो आप सारा ऊपर से जा रहा होगा, जो भी मैंने बोला मुझे पता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि 10 मिनट लेट क्यों आए हो? टाइम से आया करो भाई, सभी लोग मैं पूरे 1 बजे लॉग इन कर लेती हूँ एक्सेप्शन को छोड़ के, तो आप लोग भी किया करो, 5 मिनट तो नॉर्मली आप लोगों के लिए है ना। सुन लेना बेटा, तभी कुछ बनेगी बात। ठीक है, कोई बात नहीं, आज सुन लेना। ओके वो दो लड़कियां रह गई है ना, प्रभनूर और वो को क्या नाम है उसका, हरगुन और पिया। ओके चलो कोई बात नहीं, ये तो कुछ क्वेश्चंस हुए। अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसकी डिस्कशन चल रही थी अपनी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M+2 से M जाने के क्या क्या वैल्यूज आते हैं, कहाँ कहाँ पे वेरिएशंस हैं, तो इसको हमने कल देखा भी था, एक बार फिर लिख लेते हैं। देखो वैल्यूज आएंगी नहीं कभी, फिर बता रही हूँ, बट इसमें ना वैल्यूज के बिना समझा नहीं जा सकता। 3-4 बार पढ़ोगे तभी तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ये। NCERT मैंने सारा डाटा इकट्ठा दिया हुआ है, तो हम उसमें से ये सेपरेट करके लिख रहे हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती होती है। किस किस पे? ये वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे मान्य, इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी? जल्दी आंसर कर, सोना नहीं है भाई, सब्लिमेशन इन थैल्पी है। और ये क्या होती है? एनर्जी अब्सॉर्ब। जशन इसके बाद क्या होगा बेटा, ये कौन सा प्रोसेस है? आयनाइजेशन करते हैं। आयनाइजेशन इन थैल्पी है, क्योंकि हम +2 की बात कर रहे हैं तो दूसरी भी ले सकते हो। वैसे मैंने नोट्स में तुमको एक ही लिख के दी है, उसका कोई फर्क नहीं क्योंकि जनरल बात हो रही है। तो ये क्या होगा, ये भी एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होता है निखिलेश, थर्ड स्टेप में क्या होता है बता, आंसर कर जल्दी। कल फोन किए नहीं तुम्हारे घर, आज करती हूँ सब लोगों के। इसमें कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? हाइड्रेशन। इज इट एंडो और एक्सो? मैम निखिलेश आंसर दे, इज इट एंडो और एक्सो? एक्सो, ये एनर्जी लिबरेट करेगी। अब हमारी कहानी इस बात पे है कि M+2 एक्वस मीडियम में या कह लो सॉल्यूशन में कितना का स्टेबल है,
तो वो देखने के लिए हम अकेला आयोनाइजेशन नहीं देख सकते, क्योंकि अकेला आयोनाइजेशन इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द गैशियस स्टेट ओनली. बट इफ वी आर लुकिंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन इन द सॉल्यूशन मीडियम्स सॉल्यूशन स्टेट, वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज थ्री फैक्टर्स. तो तुमको पता है कि कोई भी आयन ये स्टेबल तब होगा जब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी. रिलीज ज़्यादा का मतलब क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू इन दोनों एनर्जीज के सम से ज़्यादा होगी. मान लो अब्जॉर्ब हुई 10 एनर्जी सब्लिमेशन में, यहाँ पे अब्जॉर्ब हुई 30 टोटल, तो टोटल अब्जॉर्ब हुई 40. ये लिबरेट मान लो हो जाए 50, तो भी नेट 10 एनर्जी तो निकलती बनी ना, 50 निकली 40 अब्जॉर्ब हो गई, तो नेट 10 का तो फायदा ही है. 10 का फायदा का क्या मतलब है कि ये स्टेबल होगा. बट इफ द केस इज लाइक दिस कि टोटल अब्जॉर्ब मान लो 50 है, ये 40 निकल रही है, तो ये स्टेबल नहीं होगा. इतना समझ में आ गया? हाँ ना कर दो फटाफट ताकि मैं आगे चल सकूं. अब इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत है. ठीक है. सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है, तुम देख रहे हो कि बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव है, है ना? बाकी सारी नेगेटिव वैल्यू होने का हम एक, मैं अभी ये नहीं कह रही किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, अभी मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि कॉपर की पॉजिटिव है बाकी सारी नेगेटिव है. कॉपर की पॉजिटिव होने का क्या मतलब है खाली मुझे ये बताओ. इसकी वैल्यू इतनी है, तो मान्या ये बता कि इस रिएक्शन के होने की पोटेंशियल की इतनी वैल्यू है, इसका मतलब ये होना फेवरेबल है कि नहीं है? नहीं, नहीं तो है पॉजिटिव. अरे पॉजिटिव है रजे वैल्यू, तो होगा ना रिएक्शन, वो चाहता है कि वो फटाफट हो जाए. कॉपर प्लस टू, ये रिडक्शन वैल्यूज है ना, हम सारी रिडक्शन वैल्यूज देख रहे हैं, रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव है. हमने एक लाइन पढ़ी थी जिसकी जो वैल्यू मतलब पॉजिटिव है वो चीज़ होना चाहती है. रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फटाफट रिड्यूस कर जाएगा. बाकी सभी की रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर के कंपैरेटिवली किसी को भी देख लो, कॉपर से इसको कंपेयर करो तुम, कॉपर वाला होना चाहता है जबकि ये नहीं होना चाहता. सारिया की वैल्यूज नेगेटिव है तो ये रिड्यूस नहीं होना चाहते एज कम्पेयर टू कॉपर. इतनी बात पता लगी? Yes. तो इसका वो रीजन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि कॉपर प्लस टू जल्दी से कॉपर में चेंज होना चाहता है. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कॉपर प्लस टू एक्वस मीडियम में लेस स्टेबल है. बोल सकती हूँ मैं ये? कोई चीज़ बदलना चाहती है, वो न्यूट्रल में जाना चाह रहा है, इसका मतलब कॉपर प्लस टू टिका रहने के कैपेबल नहीं है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है. बोलो. इसके इसके ऑपोजिट प्रोसेस देखें तो ये हो पाएगा क्या? इसकी वैल्यू प्लस 0.34 है तो इसकी वैल्यू माइनस 0.34 होगी ना बेटा. इसका मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता. इट इज वेरी मच क्लियर, हमको ऑलरेडी पता है, तुमने सीरीज भी पढ़ी हुई है. तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा था कॉपर. तो मुझे बताओ, यदि मैं ये रिएक्शन करूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कॉपर क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता होता है कि नहीं करता? नहीं, रिएक्शन नहीं होता ना. जबकि जिंक के साथ तुम यही रिएक्शन करोगे तो जिंक डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन लिबरेट करता है. तो ये क्यों नहीं रिएक्शन होता? क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, कॉपर तो खुद रिड्यूस होना चाहता है, क्योंकि कॉपर का प्लस टू स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स इन द सॉल्यूशन स्टेट. ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? इस पे ही क्वेश्चन आएगा. तो वो ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर की पॉजिटिव क्यों है वैल्यू. मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, एनसीईआरटी का है. ये देखो, अब इसी को इसने कैसे क्वेश्चन बना दिया. द ई नॉट वैल्यू
फॉर कॉपर इज पॉजिटिव. देखा ही है हमने अभी कि कॉपर की जो रिडक्शन वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी. व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, ये पूछ रहा है. अब तुम देखो जरा, कॉपर की ये वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? दोबारा दिमाग में लेके आते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट स्टेबल इन सॉल्यूशन एज कंपेयर टू अदर्स, दैट इज बाय डिफॉल्ट. क्यों स्टेबल नहीं है, तो इसका क्या रीजन है? ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, डिटेल में लिखूं मैं तो यही स्टेप इन्वॉल्व होंगे ना. लास्ट में इसकी हाइड्रेशन कर दी अभी, ठीक है. अब तुम देखो, इन तीनों स्टेप्स में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, पता है ना ये तो. yes. इसमें एनर्जी रिलीज होती है. अब सुनो जरा, कॉपर प्लस टू स्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई होगी जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई. अब्सॉर्ब मान लो हुई 100, तो रिलीज पक्का 90 हुई होगी. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये स्टेबल नहीं है. स्टेबल नहीं है का मतलब क्या है कि ये बना नहीं रहता. बना क्यों नहीं रहता? क्योंकि एनर्जी रिलीज कम हुई होगी एज कम्पेयर टू एनर्जी अब्सॉर्ब. तो हम इसमें क्या लॉजिक देंगे? हम इसमें लॉजिक देंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस, ब्रैकेट में लिख देना, एनर्जी रिलीज्ड इज लेस देन सम ऑफ सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. समझ में आ गया ये? सब्लिमेशन को वो कई बार एटमाइजेशन भी लिख देते हैं, कि एटम ही बेसिकली अलग अलग कर रहे हैं ना हम. कॉपर मेटल है, मेटल में एटम जुड़े होते हैं, गैस बना रहे हैं तो एटम अलग अलग हो रहे हैं, तो कई बार ये ऐसे भी दिखा देता है एटमाइजेशन. दोबारा बताती हूँ क्या बोला है मैंने, कि कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रही है. शुरू से चलो, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो फटाफट रिड्यूस होना चाहता है. रिड्यूस होना चाहता है मतलब ये स्टेबल नहीं है. क्यों स्टेबल नहीं रहा होगा? क्योंकि इसको बनने टाइम एनर्जी रिलीज कम हुई होगी एज कम्पेयर टू एनर्जी अब्सॉर्ब. एनर्जी रिलीज कौन सी होती है? हाइड्रेशन. इसका मतलब हाइड्रेशन के दौरान एनर्जी कम निकली होगी एज कम्पेयर टू सम ऑफ द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड प्रोसेसेस. एनर्जी अब्सॉर्ब्ड किस में होता है? सब्लिमेशन में एंड आयनाइजेशन में. गॉट माय पॉइंट? प्लस टू वाला ज्यादा स्टेबल होता है, वो मैं कराऊंगी. अभी हम जनरल बात कर रहे हैं सीरीज की, कि बाकी जो है एलिमेंट्स उनके कंपेरेटिवली कॉपर प्लस टू का क्या सीन है, ठीक है. ओके बाकी एक इस पे बेटा पूछ लेता है कई बार. तुम सीरीज देखो, सीरीज में क्या इसकी वैल्यू काफी ज्यादा नेगेटिव नहीं है देन द एक्सपेक्टेड रन? यहाँ से देखना चालू करो जरा, -0.44 था, फिर माइनस वैल्यू क्या है, मतलब एक तरह से वैल्यू बढ़ रही है ना, साइन के साथ लेके देखते हैं पोटेंशियल्स. -0.44 बड़ा क्या -0.28 निकलेश? अरे इतना टाइम नहीं लगाना बेटा जी. कौन सी वैल्यू बढ़ी है? ये वैल्यू बढ़ी है, इससे ये वैल्यू बढ़ी है. चलो इसको हम एक्सेप्शन भी मान लें, फिर भी हम देखते हैं कि वैल्यू बढ़ रही है. बट जिंक में वैल्यू कम हो गई, -0.76 आ गया. तो ये पूछ लेते हैं, वैल्यू कम होने का क्या मतलब है एज कम्पेयर टू द ट्रेंड? मान लो ये वैल्यू लिखी होती, सपोज ये वैल्यू लिखी होती जिंक की, जस्ट सपोज, तो क्या ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग थी मान्य? Yes, ma'am. फिर ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग थी, बट हमारे पास तो इससे वैल्यू बहुत कम आ रही है, ये तो आई नहीं.
वैल्यू कम आने का मतलब क्या है? अब कम आने का मतलब बताओ मुझे। कम आने का मतलब ये है कि प्लस टू से जिंक जाना उतना, मतलब वो नहीं दिखा रहा उतना कि वो मैं फटाफट बदल जाऊं जितना उसको दिखाना चाहिए था। वैल्यू आनी चाहिए थी -0.2 सपोज, बट वैल्यू उससे कम आ रही है। कम वैल्यू का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन होने की टेंडेंसी कम है। क्यों कम होगी? इसका मतलब ये अपने आप में स्टेबल होगा। हमें पता है ये अपने आप में स्टेबल है क्योंकि इसका D10 कॉन्फिगरेशन होता है। अभी अपने आप में पहले ही D10 है तो ये न्यूट्रल में बदलने की कोई जल्दी नहीं दिखाता। तो जितनी वैल्यू हम सोचते थे वैल्यू उससे कम आती है। वो बोलता है मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे रिड्यूस मत करो। क्लियर है चीज? यस मैम। और एक यहाँ पे पूछ सकता है। अब ये भी थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा नेगेटिव नहीं आ गई? देखो पहले थी -0.9 है ना, -0.9 से ये है -0.4, तो ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। वही लॉजिक आ जाएगा, ज्यादा नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन होना नहीं चाहता। कौन सा? Mn+2। Mn में चेंज होना, जितना टेंडेंसी होना चाहिए था उतनी टेंडेंसी नहीं आ रही, उससे कम आ रही है क्योंकि वैल्यू उससे छोटी आई, कम आई वैल्यू। इसका मतलब ये भी खुश है अपने आप में। इसको खुश होना बहुत लॉजिकल भी है क्योंकि ये D5 है, तो ये अपने आप में कहता है मैं तो सेट हूँ भाई, मुझे बदलने की कोई जल्दी नहीं है। क्लियर है? तो एक तो क्वेश्चन इस पे आएगा, एक क्वेश्चन कॉपर पे तो पूछते ही पूछते हैं, एक जिंक पे पूछते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों को? निखिलेश, अक्षित बेटा थोड़ा इसको पढ़ो ढंग से। मैं अभी आज तुम लोगों को होमवर्क दूंगी, वो वर्कशीट बना के मुझे भेजना होगा तुमको। और वो ऐसे नहीं कि बस लिख के दे देने हैं मुझे, वो मैं एक दिन दूंगी, उस दिन मैं सारे क्वेश्चन सुनूंगी। अच्छा अब ये एक और जनरल बात देखते हैं इसमें अपन। मैंने अभी तुमको बताया कि ये रिएक्शन नहीं होता है ना, ये डिस्प्लेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। बट एक और रिएक्शन होता है, 10th में शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो, कंसंट्रेटेड बिसा। हाँ, इफ यू यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड भी, तो ये रिएक्शन हो जाता होता है। ठीक है, H2O और SO2 निकलती है। तो हम जर्नल बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की। इफ यू यूज कंसंट्रेटेड एसिड तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ पे भी कॉपर नाइट्रेट वगैरह बन जाएगा। ओके, ये सारा लिखा हुआ है, तुम बस समझते जाओ, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है कुछ। बाकी वैसे तो तुमको दिख ही रहा है, एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो वैल्यूज जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, बढ़ती नहीं जा रही? बोलो। माइनस ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखें, रिएक्शन को लिख के देख लेते हैं, ट्रेंड समझ रहे हैं। इन दोनों में से कंपेयर करें तो इसकी इसमें बदलने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू टाइटेनियम प्लस टू की टाइटेनियम में बदलने की टेंडेंसी। तो वेनेडियम प्लस टू के चेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब वेनेडियम प्लस टू लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू टाइटेनियम प्लस टू। क्या बोला मैंने? According to the general trend, we can say the reduction potentials are increasing. Increasing का मतलब ions want to change into their neutral forms. कोई चीज़ बदलना चाहती है, इसका मतलब वो stable नहीं है। वो stable क्यों नहीं है, आप क्या reason देंगे? Ion बनना मुश्किल हो रहा है, ये भी कह सकते हैं हम, वो जो तीनों sublimation all कराया था, अब क्यों बनना मुश्किल हो रहा होगा? क्योंकि जब सीरीज में जाते हैं तो साइज कम होता है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी तो एनर्जी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज।
नो डाउट हाइड्रेशन थोड़ी बहुत बढ़ेगी क्योंकि साइज के कारण, बट डोमिनेटिंग फैक्टर एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज, इसलिए आयंस का बनना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। समझ गए? यस हाँ ओके, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी फाइंड टू क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। थोड़े क्वेश्चन टिक कर लो जरा, अभी दो तीन प्रॉपर्टीज बची हैं वो कर रहे हैं अभी हम। टिक करते जाना और इसको एक असाइनमेंट में मुझे आपको देना होगा। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8.2, 8.3, 4, 5, 7, 8.6 नहीं अभी करना, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12, 8.13, इतने कर लेना। कितने हो गए? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस हैं बेटा। मैं इसकी पिक ले रही हूँ ताकि मुझे याद रहे, और ये 10 क्वेश्चन है तुमको याद भी होने चाहिए। अकेला मुझे पता है ये नेट पे सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, टेप टूप के तुम लोग मुझे असाइनमेंट बना के भेज देते हो, मेरा फोन भर जाता है, याद तुम्हें कुछ होता नहीं, तो मैं सुनूंगी। ठीक है, आज हो गया थर्सडे है ना, आज एक दिन दे देती हूँ बीच में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, कान खोल के सुन लो ढंग से, सैटरडे को ये 10 क्वेश्चंस प्लस सैटरडे तक 6 क्वेश्चन तुम और लगा लो, हो जाएंगे, तो ये 16 क्वेश्चन तुमको ऐसे याद होने चाहिए ढंग से, समझ में आ गई, और लिख के देने पड़ेंगे। कोई शक इस बात में? ओके, रब कर दूं ये नोटेड। यस मैम। निखिलेश अक्षित, समझ में आ गई तुम लोगों को? याद करने है बेटा। अब आते हैं आगे हम। अगली प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे हमने ट्रेंड्स रिडक्शन पोटेंशियल के करे हैं ना, प्लस टू से न्यूट्रल जाने के, सिमिलरली प्लस थ्री से प्लस टू के भी ट्रेंड्स हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट सीरीज का ही देखना है हमने, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एम प्लस थ्री से प्लस टू जाए। अक्षित, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा क्या लूज होगा? अक्षित बताओ। ऑनलाइन में ये बड़ा पंगा है ना, मैम 2 मिनट वेट करेंगे फिर आप ही जवाब दे देंगे, तंग आके हम बोलते ही नहीं कुछ। एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करके प्लस टू में बदलता है, इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं ऑफ द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग टू प्लस थ्री टू प्लस टू। सो सबसे पहले वैल्यूज लिखेंगे। एक काम करते हैं बेटा, 5 मिनट बचे हैं, मैं ना मीटिंग कर लेती हूँ, फिर वैल्यूज दोबारा दोबारा लिखनी बड़ी मुश्किल है, तुम लोग ज्वाइन करो।
आप लोग इतना तो कर सकते हो, वैल्यूज तो कॉपी में एटलीस्ट लिख लो, नहीं तो इसमें नींद आने लगती है। थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम। और पूरा फ्रेश माइंड हो जब तभी इसको करना। क्रैमिंग इसमें कोई ऐसे नहीं है कि तुम लोग इसको बिना लॉजिक के याद कर लोगे। मिक्स अप्रोच बताया था वैसे करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यूज हैं इसमें, जहाँ पे मैंने डैश लिखे हैं इनके एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलते हैं, बट वैल्यूज होते ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हैं, एग्जैक्ट इनके नहीं अवेलेबल डाटा। तो अब इसमें हम देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या बातें हैं, है ना। पहले पॉइंट से देखना शुरू करते हैं। जब मैंने बोला तुमको कि जिनकी वैल्यूज नहीं दी गई बट है तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही, तो स्कैंडियम से शुरू करो। स्कैंडियम की वैल्यू अब इस तीनों को देखो पहले, ठीक है। एक्सेप्शंस ये थोड़ी बीच में एक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, जितना एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं है। तुम देखो कि वैल्यूज बढ़ रही हैं, जनरल बात करें तो वैल्यूज बढ़ रही हैं, ठीक है। इसको छोड़ दो एक दो जगह पे। तो स्कैंडियम की जो +3 से +2 वाली वैल्यू है, ये वेरी वेरी स्मॉल होती है, या मैं बोल सकती हूँ मोस्ट नेगेटिव। एक ही बात है ये, पहले इतना बताओ। इसमें तो नहीं कंफ्यूज हो जाते? मान लो मैं यहाँ पे -0.5 लिख दूँ, तो क्या ये सही लिखे मैंने जशन? सबसे कम है ना स्कैंडियम की वैल्यू, तो वैल्यू बहुत छोटी है, या मोस्ट नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू सबसे छोटी होगी। इसका क्या लॉजिक दिया जा सकता है कि स्कैंडियम +3 +2 में बदलना चाहता है कि नहीं? प्रभनु बहुत नेगेटिव है, मतलब ये बदलना बदलेगा। बदलेगा एक सेकंड, नेगेटिव है, नहीं बदलेगा? रिएक्शन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव है ना, तो ये रिएक्शन होना फेवरेबल नहीं है। कैन यू टेल मी द रीजन? थिंक अबाउट कॉन्फिगरेशन। स्कैंडियम +3 इनर्ट गैस बन जाएगा ना। अरे भाई हाँ, यस मैम, फोर फोर एस एस टू टू थ्री डी थ्री वन डी वन वन होता है ना, तीनों ही गायब हो गए, तो आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी इसके इनर्ट गैस। तो ये तो बेचारा बहुत स्टेबल है, +3 तो दिखाता है, उसको थोड़ी कोई परेशान कर सकता है, इसलिए ये वैल्यू बहुत नेगेटिव है, पहला पॉइंट, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में हम देखें ये ट्रेंड चलता जाए तो जिंक की वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आएगी कि नहीं, बोलो। मैम। मैंने बोला था कि ये वैल्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, मतलब वैल्यू बढ़ती जाएंगी और पॉजिटिव भी शुरू हो गया। तो जशन तुम बताओ बेटा, मैंने बोला कि ये वैल्यू बहुत पॉजिटिव है ना इसकी, तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं? पहली बात होगा, बड़ी खुशी से होगा। निखिलेश क्या रीजन हो सकता है इसका? जैसे अभी जशन ने बताया कि ये रिएक्शन बड़ी भाग भाग के होगा, क्यों होगा? कैन यू रिलेट विद कॉन्फिगरेशन? आके फंसेगा तो वो कॉन्फिगरेशन में ही, और तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास कोई लॉजिक होता ही नहीं, खींच धू के कॉन्फिगरेशन पे ले आते हैं। वही तुम बोलोगे कि भाई Zn+2 में D10 बन जाएगा। Zn+3 में थोड़ी D10 है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसे खिलाओगे तो वो Zn+2 में जाएगा, तो वो D10 में बनेगा। D10 बहुत स्टेबल होता है, तो ये भाग भाग के होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा कि ये रिडक्शन वैल्यू हाईली पॉजिटिव है या सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिखा रहा है रिडक्शन में, उसका रीजन बताओ। हो गया जी। अच्छा अब देखो, क्रोमियम और आयरन को देखो जरा ध्यान से, वैल्यूज बढ़ रही हैं, रादर पॉजिटिव हो गई, बट बीच में इसकी वैल्यू, इजेंट इट मोर देन एक्सपेक्टेड पॉजिटिव? मान लो ये लिखता +0.4 का लगा लो, चलो वैसे ही मैंने कुछ लिख दिया, तो फिर भी ट्रेंड था, है ना, ये पॉजिटिव है, उससे ज़्यादा पॉजिटिव, फिर उससे पॉजिटिव, बट जितना ये आना चाहिए था उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक
ज्यादा वैल्यू आने का क्या लॉजिक होगा? पहले मतलब बताओ क्या होगा. चल मन, तू बताओ. जितनी में वैल्यू इजीली हो जाएगी रिएक्शन. हाँ, रिएक्शन होना फेवरेबल ज्यादा है जितना हम सोचते थे, उससे भी ज्यादा. खुशी खुशी हो रहा है. क्यों खुशी खुशी हो रहा है? क्योंकि Mn+2D5 है, समझ गए ना. पहले ही इसकी प्लस थ्री की कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम, तो ये 3D4 बनी बैठी थी, तो ये 3D5 में चेंज होना चाहती है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है. तो तीसरा पॉइंट ये हो गया. क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो ये पूछेगा कि स्कैंडियम की जो प्लस थ्री से प्लस टू होने की रिडक्शन पोटेंशियल है, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्यों है? अगेन रिलेट विद द कॉन्फ़िगरेशन, जिंक की सबसे पॉजिटिव क्यों है? और Mn की प्लस थ्री से प्लस टू वाली जो हम सोचते थे उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, उसका रीज़न पूछेगा. तीन हो गए, आगे चलते हैं. फोर्थ पे आ जाओ. अब तुम देखो कि इन दोनों को देखो. चलो, अब बीच में बेचारा जो आयरन है उसकी थोड़ी सी कम पॉजिटिव है, इजंट इट. 1.8 को होती या 1.7 होती, फिर हम बोलते कि हाँ जी ट्रेंड के अकॉर्डिंग है. तो इसकी थोड़ी सी कम होगी वैल्यू, है तो पॉजिटिव ही बट कम होगी वैल्यू जितनी आनी चाहिए थी. तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन ये पूछेंगे कि Fe+3 to Fe+2 की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, दैट इज स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेड. क्या रीज़न? पहले तो समझाओ इसे. लोअर देन एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? कि ये रिएक्शन जितना इजीली होना चाहिए था उतना इजीली नहीं हो रहा है ना. क्यों नहीं हो रहा उतना इजीली, बताओ मुझे. कॉन्फ़िगरेशन. हाँ बताओ भी उसको, क्या कॉन्फ़िगरेशन? प्लस थ्री की क्या होगी आयरन की? पहले न्यूट्रल की लिख लिया करो, कंफ्यूजन होती है. तो 4s2 3d6 है. जशन ने बिल्कुल ठीक बताया, आयरन प्लस थ्री की d5 है. तो वो d5 क्यों बदलना चाहेगा? वो तो पहले ही स्टेबल है, तो वो d6 में नहीं जाना चाहेगा ना. इसलिए वो उतनी वैल्यू नहीं खुशी से रिएक्शन कर रहा जितना हम सोचते थे. ये चौथा पॉइंट हो गया. आगे बात समझ में? मैम. यस मैम. हाँ जी मैम. जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये डी डी शेल सब शेल से, तो मतलब कौन सी ऑर्बिटल से निकलेगा? dx²-y² dxy dyz dxz कौन सी वाले से निकलेगा? वो तो डी जनरेट होते हैं ना सारे. यस मैम. उनमें तो एनर्जीज बराबर ही हैं, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं. डी सिक्स में एक की पेयरिंग हुई होगी, बाकी चार ऐसी फ्री पड़ी होंगी, अनपेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें तो ऐड होना है ना इलेक्ट्रॉन. क्या पूछ रहे हो? एक मिनट. जैसे D6 से हम D5 में जा रहे हैं आयरन में, Fe+2 से Fe+3 में जाना है अगर उल्टा करना है तो. यस मैम. तो इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली ऑर्बिटल से निकलेगा? इसमें तो हाँ हाँ वो तो पता, वो होता है ना ऐसे, है ना. ये D6 है ना, तो वो जो पेयरिंग वाला होता है सबसे पहले वो रिमूव होता है, ये वाला जाएगा जो पेयर्ड. स्टेबिलिटी चाहिए उसको. हाँ, थोड़ी सी स्टेबिलिटी. वो डीजनरेट से वो आ जाए, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है ना फिर. ठीक है मैम. जब भी ये पेयर्ड वाला होता है तो पहले हो जाया करता. ओके, तो चार पॉइंट क्या हो गए इस ट्रेंड में? स्कैंडियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव, जिंक की सबसे ज्यादा पॉजिटिव, Mn2 की मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड, एंड आयरन वाले की लेस पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड. ये चार हो गए. अब अगले पॉइंट पे आते हैं. मुझे इसको रब करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये डाटा तुम लोगों को दिखता रहे. वैल्यूज हमेशा पास में रख के ही ये क्वेश्चन याद करना. एक दो की वैल्यूज भी शायद माइंड में रखनी पड़ेंगी तुम लोगों को, बट चार पांच बार ये क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के भी कर लोगे ना और नोट्स पढ़ लोगे, तो अपने आप ये समझ में आ जाता है सारा कुछ. अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, उस क्वेश्चन का तुम लोग आंसर देना मुझे.
ये क्वेश्चन बहुत बार आया। एनसीईआरटी का ही है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई क्रोमियम प्लस टू इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज एमएन प्लस थ्री। मैं कराऊंगी, तुम लोग जस्ट सुनते जाओ। इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो बोथ है डी फोर कॉन्फिगरेशन। ठीक है, देखो जरा डाटा को देखते हैं दोबारा, सारी चीजें एक्स्ट्रा हटा देंगे। ये देखो बेटा, ये वैल्यूज बढ़ रही हैं नो डाउट, बट वैसे देखा जाए तो इनकी वैल्यूज नेगेटिव में है, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव में है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि एम ले रही हूँ तीनों को जनरली में, एम थ्री प्लस से टू प्लस में जाने की वैल्यूज इन तीनों एलिमेंट की पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है मान्या? होगा रिएक्शन क्या, नहीं होगा, इतना बताओ। मैम होगा, ठीक है, ये होना चाहता है जशन। ये कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा क्या लूज करके होगा, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही, क्या बोलो? मैंने क्या पूछा था कि ये रिएक्शन होगा, मान्या ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, रिडक्शन वैल्यू। निखिलेश तू बता दे मुझे, जशन की आवाज नहीं सुन रही, ये रिएक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा क्या लूज करके? चैट में लिख दे, नहीं आवाज आती तो। निखिलेश वेट करेंगे हम 2 मिनट। मैं आगे नहीं जाऊंगी जब तक तू इस चीज का आंसर नहीं देगा, चाहे क्लास 2 घंटे रुकी रहे हैं, या तो चैट में लिख के दे। गलत, प्लस थ्री से प्लस टू में जाने के लिए लूज कैसे करेगा, गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन बेटा? है ना, वो ही कहना था, गलती से वो लूज बोल दिया, गेन कह रहा था मैं, प्लस टू हो जाएगा, मुझे लगा M2 लिखा हुआ था ना, तू बोला तो ना, चलो यही बहुत है, इस करके कृपा करके पहले कंप्यूटर हैंग हो गया था मैम जब आप बोल रहे थे, तो फिर वो हो गया था। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा। इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है जशन? रिडक्शन होती है क्या, ऑक्सीडेशन होता है? रिडक्शन होती है। इसका मतलब क्या है कि Mn प्लस 3 रिड्यूस होना चाहता है, जो खुद रिड्यूस होना चाहता है वो एक्ट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इजंट इट? इसका मतलब ये क्या एक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, हमें डाटा से पता चला। अब आ जाओ इन पे, इनकी वैल्यूज नेगेटिव हैं। अभी मैं ट्रेंड नहीं देख रही, मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रही हूँ। वैल्यूज नेगेटिव का मतलब अब क्या है कि ये नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहता मतलब इससे ऑपोजिट रिएक्शन लिखे हैं तो उसकी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, इनकी नेगेटिव आ रही है तो इसको तुम उल्टा कर दो तो उसकी पॉजिटिव आएंगी, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। जो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस मैम। अब इसने एक पर्टिकुलर केस को लेके पूछ लिया और उसका रीजन बताना है। अभी तो हमने देखा कि ऐसा हुआ, क्रोमियम प्लस टू की बात करी है इसने, क्रोमियम प्लस टू एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है मतलब इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब वो ये रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि इससे ऑपोजिट रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो इसकी वैल्यू प्लस इतनी आएगी, सॉरी प्लस 0.41 आएगी। ठीक है जी, गुड ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्रोमियम प्लस टू में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्रोमियम की क्या हुआ करती है, 4s1 3d5,
प्लस टू है, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है। समझ गए ना यहाँ तक? यस मैम। अब आ जाओ अगला बोला है उसने Mn+3 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Mn+3 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये खुद रिड्यूस होना चाहता है, वैल्यू भी बता रही है, पॉजिटिव वैल्यू है, रिड्यूस होना चाहता है। अब Mn+3 की कॉन्फ़िगरेशन देखो, वो भी 3d4 आएगी, क्योंकि Mn की क्या होती है, 4s2 3d5, तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए गए d4। अब ये बोल रहा है कि यार Cr+2 की भी d4 है, Mn+3 की भी d4 है, एक रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन क्लियर है? यस। लॉजिक फिर वही कॉन्फ़िगरेशन, ये क्यों इस रिड्यूस होना चाहता है? इसका तो सीधा है, क्योंकि ये d5 में बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। इलेक्ट्रॉन d5 स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा खुशी खुशी, Mn+3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ये खुद रिड्यूस हो गया। खुद रिड्यूस हो गया तो एक्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी कहानी तो खत्म है। अब इसमें देखो, ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, मतलब d4 से वो d3 में जा रहा है। Cr+3 जब बनाओगे बेटा, तीन इलेक्ट्रॉन है, एक इत्थों जाएगा, दो इत्थों जाएंगे, d3 बनेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम d3 में कौन सी स्टेबिलिटी है, बताती हूँ। तुमको कल समझाया था जब कलर वाली बात बताई थी, कि जो d के 5 होते हैं वो जब लिगेंड आ जाते हैं तो वो दो सेट में टूट जाते हैं, दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, इसको EG सेट बोलते हैं, तीन ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, इसको T2G सेट बोलते हैं। याद है कि भूल गए? अब होता क्या है बेटा, जैसे अब मैं पीछे करके आया, मान लो ये Cr+3 है और इसके साथ लीगेंड वगैरह प्रेजेंट होंगे, ये कॉम्प्लेक्सेस में ये कहानी है। Cr+3 में हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा कि इसमें डी में तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब इनकी एनर्जी टूट गई तो पहले तो T2G भरा जाएगा, T2G में अपने कितने ऑर्बिटल हैं, तीन। तो अकेले यदि हम T2G को देखें तो क्या इसमें तीन इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड का काम नहीं कर रहे, बताओ? जैसे हम D5 को हाफ फील्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो डी जनरेट होते हैं वो हर एक में एक एक आया होता है। अब T2G तो अपने आप में इसमें तीन की डी जनरेसी है, अब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो 6 मैक्सिमम हो सकते हैं, जब इसमें तीन है तो वो हाफ फील्ड एक्ट करेगा, एक तरीके का हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल है, इसीलिए जो Cr+3 है वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके का T2G3 में होने के कारण वो हाफ फील्ड एक्ट करता है, इसीलिए वो स्टेबल है, इसीलिए वो +2 से +3 में चला जाता है क्रोमियम, इसीलिए वो D4 से D3 में चला जाता है। समझ में आई बात? Yes, लीगेंड की स्ट्रेंथ पे भी तो डिपेंड करेगा ना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं जो मतलब ऐसे डिवाइड करते होते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट कॉम्प्लेक्सेस हम वो चीज में लेके ही चलते हैं कि ये वही उसका लॉजिक बन सकता है, और इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता। अगर मैम वीक लीगेंड लग गया तो फिर जैसे OH लग गया तो उसमें तो फिर ऐसे ही लगाएगा, ये D5 ही दिखाएगा अपनी स्टेबल। हाँ फिर वो उतना एक्ट नहीं करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ गए बेटा ये सारे पॉइंट्स? इसमें एक दो और भी हैं, पहले इसको ऑब्जर्व कर लो और वो क्वेश्चन कर लेना आज। अच्छा एक दो क्वेश्चन थे सच, वो तो करा दूं, दो मिनट रुको। तुम लोग एक क्वेश्चन कर दो, 42 कर दो, दिख रहा ना चैट में, लिखना आंसर, मल्टी करेक्ट है, अभी करके आयो। मुझे एक आंसर मिला, प्रभनूर ने दिया, ठीक है, फोटो खींच लेना सभी लोग, मान्या ने भी ठीक दिया, जशन दो ऑप्शन बेटा और ठीक है, मल्टी करेक्ट है ये। एक रह गई अभी, नहीं तूने गलत ऑप्शन बता दी,
निखिलेश अक्षित एबीसी ठीक है बेटा, ये तो गलत है। अभी हमने देखा जब ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है तो ये +3 में बदलेगा ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन D3 हो गई, ये तो गलत बता रहा है। ये तीनों ठीक है, क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कर सकता है, और दोनों की D4। अभी जो क्वेश्चन किया उसी में इसका आंसर आ गया। अच्छा है कि ये करके आना क्वेश्चन 24। देखो फटाफट कर पा रहे हो क्या? ये सिंगल करेक्ट है, इसमें हमने वो ऑप्शन बतानी है जो गलत है, वो पूछिए इसमें। करो जरा अभी 1 मिनट बड़ा करके देखो कर पा रहे थे। नहीं जशन ये ठीक है राजे, आपा कितना दसी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक वाली ऑप्शन नहीं दसनी, गलत वाली दसनी है। Mn दी सब तो ज्यादा नहीं, स्कैंडियम दी +3 है, ए दी +2 +3 +4, ए दी किन्नी सीगी +2 +3 +4 +5 +6, ए दी सब तो ये तो ठीक है, गलत केड़ी है ना चो। मुझे तो सही सही वाली करनी हाँ ए ऑप्शन गलत है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऐदा नहीं होंगे, करके देखियो इसमें अनपेयर्ड कम है +2, ये D6 बनेगा ना, तो 4 अनपेयर्ड है, इसमें 5 है, तो ये ट्रेंड गलत है, बाकी ये तीनों ठीक है। तो इसने गलत पूछा था तो ये ऑप्शन है, फोटो खींच लो कॉपी पे लिख लेना, बाद में और इस पे सोचना। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं, सॉल्यूशन की क्लास नहीं लगनी आज, जिस दिन होगी एक लेक्चर रह गया मैं बताऊंगी। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर।